इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में आने वाली बम्पर भर्ती का, जो कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक और कर्मियों की हजार पदों पर होगी भर्ती, जो कि रिक्त पड़े हुए हैं। तो इनकी भर्ती कब तक होगी, कौन कौन से पद रिक्त पड़े हुए हैं, सारा जानकारी आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, आप अभी तक नए हैं चैनल पे और चाहते हैं कि आगे भी आपको जॉब्स की सारी अपडेट मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक और कर्मियों का पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये जो है आज की हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर में पटना एडिशन में आपको ये मिल जाएगा न्यूज। और आप जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है अवसर कि विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक सीटें केंद्रीय विद्यालयों में हैं खाली। केंद्रीय विद्यालयों में हेडमास्टर और प्रिंसिपल की कुल 594 सीटें हैं रिक्त। 59,496 सीटों के विरुद्ध 49,346 सीटें ही भरी है केंद्रीय विद्यालयों में। ठीक है, तो ये जो है बिहार का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ बात की गई है पूरे देश की। देश के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग स्टाफ के हजारों पद रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है और इस वजह से 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। ये बात हो रही है पूरे इंडिया की। ठीक है, तो इसमें जो है बिहार में भी लगभग 1,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइब्रेरियन है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, शिक्षक है, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और इस वजह से जो है 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। और वहीं नॉन टीचिंग के 4,500 पद रिक्त पड़े हैं। तो नॉन टीचिंग पद क्या हैं, जैसे कि क्लर्क हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, यानी कि जो कि टीचिंग वाले पोस्ट नहीं हैं वो सब आते हैं नॉन टीचिंग में। ठीक है, तो इसका जो खुलासा कैसे हुआ है, RTI से हुआ है। और देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या का पता चल गया है और 1 जनवरी 2020 तक विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक सीटें जो है केंद्रीय विद्यालयों में खाली पड़ी थी और मई तक जो है इसकी संख्या और कुछ बढ़ सकती है। और यह जानकारी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दीपांकर गौरव द्वारा RTI के तहत मांगी गई सूचना में दी है। और RTI के जवाब में केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न पदों पर जो है, मैंने जैसे बताया आपको ऊपर में कि 59,496 सीटों के जो है इसमें इतना पद है, लेकिन 49,346 सीट ही भरी हुई है, शेष 10,150 सीट अभी तक जो है वो खाली पड़ी है, जिसमें कि प्रिंसिपल हेडमास्टर के कुल जो है 594 सीट रिक्त पड़ी हैं। और इसी प्रकार अलग जो है विभिन्न विषयों में PGT के 926 सीटें खाली है, जिसमें कि स्नातकोत्तर के साथ BEd कर चुके छात्रों की बहाली की जा सकती है। और वहीं TGT की ट्रेंड ग्रेजुएट के 1698 शिक्षकों की सीटें रिक्त पड़ी हैं। वहीं लाइब्रेरियन की सीटें भी काफ़ी संख्या में रिक्त पड़ी हैं। और नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय में बड़ा अवसर है और केंद्रीय विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के भी भारी जो है बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। और 1 फरवरी 2020 तक नॉन टीचिंग स्टाफ के 4,781 पद रिक्त पड़े हैं। ये किसके हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के, जैसे कि क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इस टाइप के। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में ये रिक्त पड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि इसका जल्द ही वैकेंसी आएगा, क्योंकि RTI से इसका खुलासा हुआ है। तो ये देश लेवल पर इतना बड़ा लगभग भर्ती है 10,000, तो उसमें जो है आपको बिहार में भी कुछ भर्ती होगी। तो इसका जो है अपडेट, जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इसका जो है वैकेंसी आने की उम्मीद है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब खाली है तो इसका जो वैकेंसी जल्द ही आएगा। बाकी इसका और भी अपडेट जैसे ही आता है तो हमारे साथ बने रहिए, आपको अपडेट मिलते रहेगा मेरे चैनल के और वीडियो के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही इसका कोई भी और भी आता है अपडेट तो मैं आपको जोड़ दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।